वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के आज से रेट जारी कर दिए हैं। आज भी तेल की कीमत में मामूली सा बदलाव किया गया। गौरतलब है कि 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि तेल के रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय है, लेकिन ऐसा अभी तो नहीं हुआ है। बहरहाल बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अब भी पेट्रोल 100 रुपए के पार बेचा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल के लिए 95.41 रुपए चुकाने होंगे, जबकि 1 लीटर डीजल के लिए 86.67 रुपए देने होंगे। प्रदेश के अस्पतालों में मरीज डॉक्टर के अभाव में दम तोड़ देते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं करते। ताजा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है, जहां 12 डॉक्टर्स ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। उन्हें अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया, इनकी खोजबीन करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही नए अस्पतालों में ज्वाइनिंग करने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के 75 ऐसे डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने प्रदेश के किसी भी CHC सेंटर में अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी और गायब है। ऐसे में इन डॉक्टर्स की खोजबीन शुरू की जा रही है। तो श्रीनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर 12 डॉक्टर ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सेवाएं ना तो शुरू की हैं और ना ही वो अस्पतालों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है कि हमारे पास जो है डीजी हेल्थ से सूचना आई थी 2020 में कि 75 डॉक्टर आप यहाँ से जो है गायब चल रहे हैं, जिनको हमने दिया या तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये कि हम लोगों ने जो है पहले तो उनको पत्र भेजा, पत्र के बाद जो है हमने दैनिक जो हमारे राष्ट्रीय पेपर है उनके माध्यम से हमने इनकी पूरी लिस्ट निकाली थी। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कई लोग PG करने चले गए थे, तो फिर एक लिस्ट हमारे पास बची थी जिसमें 20 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। उन 20 बच्चों को फिर हमने जो है मार्च 2021 में हमने जो है संबंधित DM के माध्यम से उनको वसूली के लिए हमने पत्र भेजा था, जिनमें से हमारे करीब दो विद्यार्थियों ने 2008 बैच के डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर चित्तार बिश द्वारा जो है 33,24,367 रुपये जमा करके बॉन्ड से मुक्त हो गए हैं।